ईश्वर की रचना रहस्यमय है। छोटे से छोटे जीव का पृथ्वी पर महत्व है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को नमस्ते नमस्कारम। मैं हूं पिंटू महाकुल। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं आप सभी लोगों के शुभचिंतक हूं। जंगली भ्रमण के दौरान हमें एक सुंदर और प्राकृतिक रूप से निर्मित दीमकों का घोंसला मिला है। आज हम दीमक वास्तुकला पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। दीमक अपना घोंसला विशाल पेड़ों के नीचे, पहाड़ों में, पत्थरों के पास और यहाँ तक कि खुली जगह में भी बनाते हैं। दीमकों के साम्राज्य में राजा, रानी, लार्वा, लाखों मजदूर, सैनिक, इंजीनियर और आम प्रजा दीमके रहते हैं। इसी कारण से वे अपने विशाल महलों में हर वर्ग के लिए आरामदायक कॉलोनियां बनवाते हैं। वे अपने महल के अंदर आनंद के लिए, भोजन और सजावट के लिए कवक की खेती करते हैं। कवक उद्यानों के लिए वे अलग कॉलोनियां बनाते हैं। आर्किटेक्चर इंजीनियर राजा और रानी को अपनी अनोखी टीले वाली इमारत की पूरी योजना देते हैं। रानी के आदेश पर वास्तुशिल्प इंजीनियर की देखरेख में मजदूर दीमक घोंसला बनाने का काम शुरू कर देते हैं। दीमक भंडार गृह बनाए रखते हैं और भोजन सुरक्षित रखते हैं। वे सेलुलोज, लकड़ी सामग्री, कार्बनिक यौगिक, कवक और शाकाहारी जानवरों के मल खाते हैं। ऐसी वास्तुकला पर वे घोंसला बनाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कुछ नहीं होता। वे सीमेंट, रेत, मिट्टी और गोबर जैसे शाकाहारी जानवरों के मल का उपयोग करके टीले बनाते हैं। दीमक सामाजिक कीट हैं और उन्हें संगठित समाज पसंद है।